अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक बहुत अच्छे डॉलर स्टोर पर, और अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद का बेस्ट डॉलर स्टोर है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी और वैरायटी दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं, और अभी ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है सेक्टर I-8 इस्लामाबाद में, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा। सो आज मैं और आप मिलकर इस डॉलर स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से सब कुछ दिखाऊंगी, क्या कुछ अवेलेबल है, और आप ख़ुद देखिएगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी है चीज़ों की। एंड बाय द वे, यहाँ पर $1 और $2 दो मतलब वैराइटीज़ हैं, तो $1 में भी आपको चीज़ें मिलेंगी और $2 में भी मिलेंगी। बट ये कि इवन के जो यहाँ पर $1 और $2 की चीज़ें हैं ना मार्केट में, उनकी प्राइस भी डबल ट्रिपल है। सो बहुत अच्छी प्राइस में बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें हैं और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। सो आई थिंक काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस डॉलर स्टोर को। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरी अटेंशन ग्रैब की वो थे ये पिक्चर फ्रेम्स। बहुत अच्छी इनमें पिक्चर्स थी और फ्रेमिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। सो मैं काफ़ी अरसे से कोई डिसेंट पिक्चर फ्रेम्स ढूंढ रही थी इन रीज़नेबल प्राइसेस, एंड फाइनली इस डॉलर स्टोर पर मुझे मिल गए। 260 रुपीज़ ईच था ये फ्रेम, विच आई थिंक इज़ वेरी रीज़नेबल, और बहुत अच्छी वेराइटी थी, कलर्स थे। सो आई रियली लव दीज फ्रेम्स। और क्वालिटी के बारे में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, जब यूज़ करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। बट मैंने इसमें से कुछ फ्रेम्स जो हैं वो लिए थे, मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। सेकेंडली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक की कितनी अच्छी चेयर्स हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक था। और यहाँ से भी मैंने कुछ बाय किया है, इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके अलावा आप देखें यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की के डेकोरेटिव आइटम्स थे। उसके अलावा ये कुछ स्टोन में थे, ये जो अनार बना हुआ है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ग्लास में था। बट मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम मुझे लगता है बहुत क्लटर हो जाता है घर में, तो इसलिए मैं नहीं लेती। अदरवाइज़ जिनको अच्छे लगते हैं डेकोरेशन आइटम्स वो तो ज़रूर यहाँ विज़िट करें, बहुत अच्छे इनके पास डेकोरेशन आइटम्स थे। उसके अलावा ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे। और अब हम आ गए हैं क्रॉकरी के आइल की तरफ, और ये आई नो ख़वातीन का जो है ना वो मोस्ट फेवरेट आइल होता है, मेरा भी बहुत फेवरेट है, मुझे भी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, और अगर रीज़नेबल क्रॉकरी हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर आप देखें इनके पास बहुत अच्छे मतलब ग्लास के आइटम्स थे। उसके अलावा ये पोर्सलिन में इनके पास छोटे छोटे डिप बोल्स, सर्विंग डिशेस, ये सारी चीज़ें थी। और स्पेशली ये जो सूप का बोल है ना ये तो बहुत बहुत प्यारा था, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और ये 260 रुपीज़ ईच था। इसी तरह से ये जो ग्लास के सर्विंग प्लेटर्स थे, सर्विंग डिशेस थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। बट इस पे मेंशन नहीं था कि ये माइक्रोवेव सेफ हैं या ओवन प्रूफ हैं, तो इसलिए ये मैंने नहीं ली थी, अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छी थी। अगर आपको माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करनी या ओवन में यूज़ नहीं करनी, सिर्फ सर्विंग के लिए यूज़ करनी है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और ये जो रेक्टेंगुलर ये जो प्लेटर थे ना सर्विंग प्लेटर्स, ये तो मेरे दी मोस्ट फेवरेट थे इनकी सारी क्रॉकरी में से, बिकॉज़ ये मुझे बहुत अरसे बाद कहीं नज़र आए। हमेशा ही शॉप्स पर जो है ना ये शॉर्ट होते हैं, आई डोंट नो वाई, और अगर कहीं से मिल रहे हों तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये जो रेक्टेंगुलर डिशेस थी ना ये तो बहुत अच्छी थी दोनों। और उसके अलावा छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से डिप बोल्स और इस तरह की चीज़ें, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ डिप बोल, ये 160 में 2 पीसेस थे, विच आई थिंक इज़ अ रियली रियली गुड डील। सो बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास क्रॉकरी की।
सो अगर आप भी रीज़नेबल प्राइस में क्रॉकरी लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इस डॉलर स्टोर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आई एम श्योर यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो अब क्रॉकरी के बाद जो नेक्स्ट आइल मैं आपको दिखा रही हूँ वो है टॉयज़ का। बहुत अच्छे इनके पास बहुत क्यूट से स्टफ़ टॉयज़ थे, और इस तरह के स्टफ़ टॉयज़ भी मैंने और किसी भी डॉलर शॉप में नहीं देखे। इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दे हैड हैंड वॉशेज और शॉवर जेल्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह की सारी चीज़ें। बाय द वे मैंने इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट सारे ही डॉलर स्टोर्स विज़िट किए हैं, बट ये जो है अभी तक का मेरा मोस्ट फेवरेट है, बिकॉज़ यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत अच्छी है, और बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो कि बाकी डॉलर शॉप्स पर नहीं मिलती। निक नैक से लेकर बड़े आइटम्स तक यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। क्रॉकरी, कटलरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, यू नेम इट। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, बहुत स्पेशियस है ये डॉलर स्टोर, बड़ी अच्छी सी वाइब आती है, बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट है यहाँ का। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी वाटर बॉटल्स हैं, बहुत ही क्यूट और कलरफुल सी, और ये आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा इनकी क्वालिटी का भी। प्लास्टिक की जब भी आप कोई चीज़ लें उसकी क्वालिटी ज़रूर देखें, वो अच्छी मतलब अच्छा फाइन मटेरियल हो, अच्छी क्वालिटी हो तो आप परचेज़ कर लें। एंड बाय द वे यही सेम वाटर बॉटल्स मैंने दूसरे सुपर स्टोर्स पर देखी और उनकी प्राइस जो है वो 500 प्लस थी, और यहाँ पर जो है वो ईच वाटर बॉटल थी 260 रुपीज़ की, विच आई थिंक इज़ अगेन वेरी रीज़नेबल, क्योंकि यही सेम क्वालिटी की चीज़ें जो है ना दूसरे सुपर स्टोर्स पर डबल ट्रिपल प्राइस में बिक रही होती है। और ये देखें आप, बच्चों के लिए कितनी अच्छी वाटर बॉटल्स हैं, बहुत अच्छे इन पर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे, और ये वाली आपको मैं दिखाती हूँ, ये इतनी क्यूट लगी मुझे, बहुत प्यारी थी ये वाटर बॉटल। उसके अलावा लंच बॉक्सेस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी थी लंच बॉक्सेस की भी। सो यहाँ पर प्लास्टिक की जो चीज़ें थी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और ये जो आयल मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छे बोल्स थे, और बच्चों के लिए बच्चों के सर्विंग प्लेटर्स थे, वो जो ये जो डिवीजन वाले सर्विंग प्लेटर्स होते हैं, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, बट ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स थे, डिफरेंट कार्टून्स वाले, सो ये बहुत अच्छे थे, और डिफरेंट शेप्स थी इनमें। इनकी प्राइस भी आई थिंक 260 ईच थी। और उसके अलावा आपको मैं बोल्स दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना कि फ़र्स्ट लुक में आपको मतलब आप जज ही नहीं कर सकते कि ये प्लास्टिक के हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी, और कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत खूबसूरत थे, डिज़ाइंस बहुत प्यारे थे, तो ये बोल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सैडली मैं जो हूँ वो प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा किचन में प्रेफर नहीं करती, अदरवाइज़ मैं ये ज़रूर ले लेती, इतनी अच्छी क्वालिटी के थे। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी इनके पास वैरायटी थी, स्पेशली बच्चों के प्लेटर्स की।
और अब हम आ गए हैं स्टेशनरी के आयल में, और स्टेशनरी का आयल जो है ना हमेशा ही मेरा बहुत फेवरेट हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्यूट स्टेशनरी थी, और आई थिंक ये सारे इरेजर्स थे या शार्पनर्स थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इनके पास बहुत प्यारी स्टेशनरी थी और ये 160 ईच थे सब। और उसके अलावा मैं आपको ना एक इनका एक सेकंड सेक्शन भी है, एक सेकंड आइल भी है स्टेशनरी का, वहाँ पर तो बहुत प्यारी चीज़ें थी, मतलब दे हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर पेंसिल्स और डिफरेंट कलर्स, और उसके अलावा वहाँ पर ना डायरीज बहुत अच्छी थी। सो और ये था इनका कॉस्मेटिक्स का आइल, इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स थी, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स थी, और उसके अलावा ब्रशेस एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, आई लैशेज बहुत अच्छी थी यहाँ पर, यह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आई लैशेज थी। और अभी हम आ गए हैं ज्वेलरी के सेक्शन की तरफ, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर ज्वेलरी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, बिकॉज़ आपके साथ मैंने एक ब्लॉग में अपना ज्वेलरी हॉल शेयर किया था डॉलर स्टोर वाला, तो उस डॉलर स्टोर पर बहुत कमाल की ज्वेलरी थी। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि शायद यहाँ पर भी इस तरह की ज्वेलरी हो, मुझे ज्वेलरी जो है वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, या मे बी इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस, शायद मुझे इतनी अच्छी ना लग रही हो और लोगों को पसंद आए। सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ज्वेलरी भी, बट ये कि ज्वेलरी के अलावा यहाँ पर बहुत अच्छे आइटम्स थे, बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी थी चीज़ों की। सो अभी हम आ गए हैं स्टेशनरी वाले सेक्शन में, एक पूरा कॉर्नर था जहाँ पर बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें थी, तो यहाँ पर बहुत वैरायटी थी कलर्स की, डायरीज़ इनकी और नोट पैड्स जो नोटबुक्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत क्यूट थी। यहाँ पर आपको पार्टी सप्लाइज़ भी नज़र आएंगी, तो वो भी थी, मतलब बेसिकली मिक्स्ड आइटम्स थे, और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी थी। सो काफ़ी कुछ था यहाँ पर, और बहुत बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास स्टेशनरी की। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ और किचन आइटम्स, एक पूरी रो थी जिसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स थे और किचन आइटम्स थे, आप ये देख सकते हैं, स्पून्स, स्पैचुलास, पिज़्ज़ा कटर्स, कुकी कटर्स, डिफरेंट बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, बेकिंग ट्रेज, कपकेक वो जो होते हैं मफिन ट्रेज एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत कुछ था यहाँ पर। और लिटरली यही चीज़ें अगर आप किसी स्टोर से जाके परचेज करें ना, तो आपको ट्रिपल प्राइस में मिलती हैं। स्पेशली ये जो आप देख सकते हैं, ये फनल था, स्ट्रेनर एंड फनल, इसकी प्राइस आई थिंक मैंने पता की थी, आई एम नॉट श्योर, मदीना कैश एंड कैरी से या फिर सेव मार्ट से मैंने पता की थी, बट इट वाज 500 प्लस, लेकिन ये तीन का पैक था इन 260 रुपीज़ ओनली। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मतलब इकोनॉमिकल हैं इनकी प्राइसेस, और क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी है। सो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, कुकी कटर्स थे, आइसक्रीम स्कूप, नाइफ के सेट्स थे, टोंग्स, स्पैचुलास, और यू नेम इट, कि इनके पास कौन सा किचन आइटम जो है वो नहीं था, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी 160 और 260 की रेंज में। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मयरिंग स्पून्स हैं, आप
इनकी क्वालिटी देखें, इनकी पैकिंग देखें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, पैकेजिंग से आपको पता चल जाएगा। सो इनकी प्राइस भी नॉर्मली 500 प्लस होती है दूसरे स्टोर्स में, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये 260 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और भी इनके पास बहुत सारी यू नो किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी। उसके अलावा दे हैड ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टोरेज बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर्स, टपरवेयर्स, डिफरेंट तरह की बॉटल्स, स्पाइस जार्स, तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये काफ़ी बड़ा डॉलर स्टोर है, आप लोग इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। मुझे तो शॉपिंग करके यहाँ पर बहुत मज़ा आया था, और आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे आई एम श्योर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए फुटेज रिकॉर्ड की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय द वे, यहाँ से मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग भी की थी, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। फिलहाल आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा मैंने यहाँ से क्या कुछ लिया है, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।